जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सजग सावधान करने वाली यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जानकारी देने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आपको मिस नहीं करना है। पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है पुलिस भर्ती को लेकर, जहाँ पर फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस पकड़ा गया है। बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं जल्दबाजी में, तो आज के इस वीडियो को आपको डेफिनेटली लास्ट तक देखना चाहिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको RTO के संबंध में फ्यूचर में मिलती रहें। नोटिफिकेशन पाने के लिए, हमारी भविष्य में जानकारियाँ वीडियोज़ पाने के लिए बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली में चालक पद पर, यानी कि जो ड्राइवर के वहाँ पर वैकेंसी आती है, उसमें एक वैकेंसी आई हुई थी पहले, काफ़ी पहले के समय की बात है ये। तो वहाँ पर जब वैकेंसी आई थी, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भी फिलअप किया था और सिलेक्शन भी उनका हुआ। तो यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति मिला है जो वहाँ पर उसका सिलेक्शन भी हो गया और वो जॉब भी कर रहा था। तो उस व्यक्ति को यहाँ पर जब चेकिंग किया गया पुलिस की जांच में, तो उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस वो फर्जी निकला। अब जब ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी निकला, तो इसके ऊपर वहाँ पर कोर्ट में केस किया गया। जब कोर्ट में केस किया गया, तो जब वहाँ पर कोर्ट में सुनवाई हुई, तो वहाँ पर जब ये प्रकरण पूरा मामले वहाँ पर संज्ञान में आया, वहाँ पर कोर्ट के और वहाँ पर जज साहब के, तो उन्होंने एक वहाँ पर आदेश दिया और उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलाने का पूर्णतया वह आदेश दे दिया है। अब 30,000 स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय शर्मा ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी एवं जालसाजी की धाराओं के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया है। तो यह मामला कहाँ का आपको पता लग गया, 30,000 कोर्ट का है। वहाँ पर संजय शर्मा जो ऑनरेबल जज थे, उन्होंने अब ये मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया है। तो ये धोखाधड़ी का केस, इसमें जालसाजी का केस वहाँ पर फाइल किया गया है पुलिस के द्वारा। और ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि यह जो अदालत ने कहा है कि कथित अपराध के माध्यम से आरोपी अपराध नियंत्रण करने वाली एजेंसी में शामिल होने का प्रयास कर रहा था, तो खुद कोर्ट ने अब इसके बारे में टिप्पणी कर दी है। युवक ने यह ड्राइविंग लाइसेंस जो है आगरा क्षेत्रीय परिवहन विभाग से बनवाया था अपना लाइसेंस। तो यह जो है वो लाइसेंस वो आगरा के क्षेत्रीय यानी कि DTO ऑफिस से इशू किया गया था। अब यहाँ पर RTO को कोई गलती नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति ने किया क्या था, अभी मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ। तो आप ऐसी गलती ना करें भविष्य में, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ। वरना ऐसी वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं होता है, लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग ऐसी गलती ना करें, आप लोग ऐसे चक्कर में ना पड़ें। बहुत सारे लोग मेरे को DM में ऐसे मैसेज आते हैं कि मेरा जो है वो भर्ती आने वाली है, मेरा जो है वो यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, मैंने फॉर्म फिलअप किया है, और मेरा लाइसेंस जल्दी से आप बनवा दीजिए। 15 दिन के अंदर बोलते हैं कोई परमानेंट लाइसेंस उनको चाहिए, किसी को 1 महीने में चाहिए हैवी लाइसेंस, किसी को LMB चाहिए 1 महीने में। देखिए ऐसा नहीं है, पूरी एक प्रक्रिया होती है। जब आप प्रक्रिया से गुजरेंगे, तो ही आप एक वैधित आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाता है। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करते हैं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ी करते हैं, ब्रोकर के पास जाते हैं, तो यही अंजाम होता है जो यहाँ पर इस व्यक्ति का हो रहा है। उसने क्या किया था, उसने जब ये वैकेंसी का वहाँ पर आया था नोटिफिकेशन, तो वहाँ पर उसके पास लाइसेंस नहीं था, बट उन्होंने जल्दबाजी में ड्राइवर को, ब्रोकर को पैसा देकर फर्जी DTO ऑफ आगरा से ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवा लिया। और मैं आपको एक चीज़ जानकारी देना चाहता हूँ कि यह जो फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस का सिनारियो का केस निकला हुआ है, यह उस व्यक्ति को भी नहीं पता था कि उसका लाइसेंस फर्जी है। अब उस बेचारे को ये नहीं पता था कि उसका लाइसेंस फर्जी है, उसने अपना नौकरी भी खो दिया, जितने पैसे कमाए उसके ऊपर अभी ये मानहानि जो है वो हो, उसका केस भी हो जाएगा, और उसमें आपकी वसूली भी उसकी होगी, जिसने उसने कमाया था सब कुछ है, उसको भरना भी पड़ेगा। उसने लाइसेंस बनवाने के लिए पैसे भी दिए, वो सब कुछ गया, उसका समय ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो गई। लेकिन ये आप ध्यान से सुनिए कि उसकी गलती क्या थी, उसकी गलती ये थी कि उसने जल्दबाजी में फैसला लिया, उसने ब्रोकर का सहारा लिया। ब्रोकर ने क्या किया, पैसे तो ले लिए, और उसको जल्दी इतनी थी उस व्यक्ति को कि मेरा लाइसेंस जल्दी से मुझे मिल जाए, ताकि मैं वैकेंसी में आवेदन कर सकूं। तो वहाँ पर ब्रोकर ने किया क्या कि जल्द से जल्द वहाँ पर फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर उसको दे दिया 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर। अब उस व्यक्ति को, लेकिन यहाँ पर समझ जाना चाहिए था कि कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस 15 से 20 दिन या फिर महीने में आपको कभी नहीं मिल सकता है। उसका एक प्रोसीजर होता है, 3 से 4 महीने के बाद ही आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। अगर आप आज सोच रहे हैं कि मुझे लाइसेंस चाहिए, तो मान के चले कि आपको 4 से 5 महीने लग जाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस मिलते मिलते। यह एक प्रक्रिया होती है, इतनी जल्दी आपको नहीं मिल सकता है। अगर आप मिल रहा है, तो आप पर सावधान हो जाइए। तो ये थी गलती वहाँ पर, उस ब्रोकर के चक्कर में उस व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, पैसे भी गए, जॉब भी गई और इज्जत भी चली गई।
तो ये सब चीज़ें होती हैं, आप इससे बचें, फर्जी ब्रोकर के किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में ना पड़े। मैंने इसी के बारे में अपने ड्राइविंग लाइसेंस पे लिस्ट क्रिएट की है, वहाँ पूरी जानकारी मैं देता हूँ, कैसे आपको लाइसेंस बनवाना है, कितनी फीस है, टेस्ट कैसे होता है, हर एक चीज़ XYZ RTO के संबंध में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो इस चैनल पर ट्रस्ट करिए, प्यार दीजिए जैसे आपने अभी तक किया है, और सारी जानकारियाँ मैं आपके हित में ही देता हूँ। जानकारियाँ प्राप्त करिए, सजग सावधान रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, इससे आप सीख लेंगे, ऐसी गलतियाँ आप नहीं करेंगे जैसे इस व्यक्ति के साथ हुई। तो वीडियो बनाने का मोटिव भी यही था, आप लोगों को अवेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छी लगी हो जानकारी, कुछ भी अगर आपको वैल्यू मिली हो इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपसे उम्मीद है। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।